नमस्कार आपण समस्तंकु अमृत किचन एंड लाइफस्टाइल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण समस्तंक पई पनीर कोफ्तार रेसिपी नेके आसीछि। एई पनीर कोफ्ता को आपण सहजरे घरे बनै परिबे। एटा समस्तंकु बहुत पसंद आसीबो, पिल्ला मानंकु तो बहुत भल लागे। एटा आपण थरे घरे सियो ट्राई करंतु एई रेसिपी। चलंतु एबे पनीर कोफ्ता केमिति बनुछि देखिबा। पनीर कोफ्ता बनैबा पई मु एठी प्रथमे गोटे बाउल लेछि, सेथिरे एबे गोटे कप पनीर मु देबी। यही पनीर बा छेना को मु घोल दही प्रस्तुत करी। आपण चाहिए क्षीर रु प्रस्तुत छेना बा पनीर को यूज करें, कि मार्केट में मिलूबा पनीर को भी यूज करें। भल भाव एमती गुंड करदे हाथ में, तापर यह ने आपण चाहिए घर तैयारी छेना को भी नहीं पारे। छेना को भल भाव चिपुड़ी यूज करें, जमी पा नाक भल भाव हाथ में गुंड करदे। एवं से मुझे ड्राई फ्रुट्स आड करें, काजू किसमिश आलमंड आ पिस्ता काटिकी एवं से गोटे छोट पियाज को देद आ स्वाद अनुसार लुण देद। चिल्ली पाउडर ये हाफ चामच दबा, आउ ये जीरा पाउडर अध चामच, आउ ये गोटे छोट अदा को एमती ग्रेट करके दबा। से आम आड करवा गोटे सीझा आलू, आलू दबा द्वारा थोड़ा टेस्ट भी भल आसे, आमको बाइंडिंग भी साहय कर। आपड़ चाहिए यहाँ को स्किप भी करें। एबे सेथिरे आमे बाइंडिंग पाई दुई चामच कॉर्नफ्लोर ऐड करिबा, आ हाथ साहाज्यरे एटा को भल भाबरे मिक्स करिबा। पूरा चिकन पेस्ट बनेबा तार, एटा को पूरा जेमिति गुलाब जामु पाई आमे जेमिति छेना को चकटु सेई भली भाबरे एटा को प्रस्तुत करिबा। पूरा सॉफ्ट चकटिबा, आउ सेथिरे एबे टिके फ्लफी होबा पाई गोटे पिंच आमे खाइबा सोडा ऐड करिबा। एबे एटा को गोटे छोट छोट बॉल आकार रो शेप दबा कोफ्ता प्रस्तुत करिबा। आपण चाहिले एटा को जे कोनोसी शेप रो आपण करि परंती। मो एठी गोल शेप रो कोफ्ता बनै छी। देखो हम कोफ्ता सब प्रस्तुत हो गेला। एबे एटा को आमे छाणीबा, छाणीबा पई मो एठी तेल गरम कर दे छी। तेल पूरा लो फ्लेम रे रखिबे, आउ एटा को कॉर्नफ्लोर रे भल भाव कोट करदे, छाणे नपणकर कोफ्ता फिटि जबार चांसेस अच्छी। ये देखते मुझे भल भाव कॉर्नफ्लोर रे आम कोफ्ता गुड़ी को कोट करदेली, पूरा लो फ्लेम रे छाणे। यहाँ पूरा गोलाप जामुन जमी छणा जाए से भाव छाणे, पूरा लो फ्लेम रे छाणे धीरे धीरे करके। देखु आम कोफ्ता गुड़ी के सुंदर फुली, जेहेतु आम गोटे पिंच खाइबा सोडा ऐड करते तो पूरा बहुत सुंदर भाव पूरा भितरटा भी आमर पूरा फ्लफी रल्का हल्का रखु। आम प्रस्तुत हो गला कोफ्ता गुड़ाक, आम छाणी नवा तेल रु। एबे आम तापाई गोटे ग्रेवी प्रस्तुत करवा, से मु कड़ाई में दुई चामच रिफाइन तेल देदेली। एबे से हाफ चामच जीरा देद, गोटे तेजपत्र देद, आउ गोटे चामच ये चीनी देबा। चीनी देले तरह टेस्ट भी भल आसीबो, आउ कलर भी आसीबो। आउ से गोटे डालचीन को देद। देखु आमर चीनी लाल हो आसला, गोटे पियाज को छोट छोट कर काटिकी रखी थे से देद। पियाज टिके भाजी आसला, एवं से आम दुई चामच अदा रसुण पेस्ट को देद। एबे से आम टमाटो आउ काजुर पेस्ट को दबा। ये मुझे गोटे टमाटो आउ चार पांचटी काजू को लेकिन तार गोटे पेस्ट बनई देली, सेटा को देद। ये देखते काजू आउ टमाटो रो पेस्ट को देदे। आपण चाहिए काटिकी भी टमाटो दे पारे, किंतु एमती बाटिकी दबा द्वारा आम ग्रेवी भी बहुत टेस्ट लगे, आ बहलिया भी ग्रेवी दरकार कोफ्तापाई। एबे से आम स्वाद अनुसार लुण देद, आउ ये हाफ चामच आम चिल्ली पाउडर देद, हाफ चामच हलदी पाउडर, आउ ये धनिया पाउडर हाफ चामच, आउ ये मुझे चिकेन मसला हाफ चामच दे। आपड़ चाहिए यहाँ को स्किप करें। ये भल भाव भाजी नवा मसलाटा को। ये देखो वर्तमान आम मसला भाजी आसला। पनीर कोफ्ता बहुत टेस्ट लगे, आपण थे घरे सीओ ट्राए करूँ।
ଏଥିରେ ଏବେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଦହି ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଦହି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ପୁରା ସିମ୍ରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗ୍ରେଭି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଲ ବି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି କେତେ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି ଆଉ ଆମର କୋପ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋପ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋପ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବିଲକୁଲ ବି ଘାଣ୍ଟିବେନି, ଏମିତି ଉପରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋପ୍ତାଟା ପୁରା ନରମ ଥାଏ ନା, ପନିର୍ର କୋପ୍ତାଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତା ଉପରେ ଏବେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପନିର୍ କୋପ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପନିର୍ କୋପ୍ତାଟା କେତେ ଟେମ୍ପ୍ଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ ସହିତ, ରୁଟି, ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ପନିର୍ କୋପ୍ତାର ରେସିପିକୁ ଘରେ ସିଓ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ରେସିପିଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।